नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के लिए और एक वीडियो लेकर आया हूँ। पावरटेक हीरो 50, ये क्लास पेडल कैसे लगाता है, क्लास पेडल का शाफ्टिंग जो है ये कैसे लगाता है, तो ये सब चीज़ें दिखाऊंगा। तो चलिए, तो इधर बोनट और चक्का खुला हुआ है। क्लास पेडल खोलने के लिए ये बोनट और चक्का नहीं खुला है, हम लोग ये दूसरा काम किया है इसीलिए खुला है। तो अभी तो क्लास पेडल का शाफ्टिंग जो है ये खाने के बाद कैसे बनाता है, तो इधर खा गया था ये क्लास पेडल का शाफ्टिंग। तो खाने के बाद यह वेल्डिंग करके बनाता है लैद में। तो इधर क्लास पेडल का जो है अंदर में बुशिंग रहता है, ये भी खा गया था, ये बुशिंग नया लगा दिया। तो देख लीजिए दोस्तों, ये बुशिंग नया लगा दिया। तो अभी शाफ्टिंग, ये क्लास पेडल का शाफ्टिंग जो है इधर लगेगा। इधर 3 बोल्ट है 17 का, ये इधर फिटिंग होगा। अभी फिटिंग करने के बाद क्लास पेडल फिटिंग करना चाहिए। तो देख लीजिए दोस्तों, क्लास पेडल का शाफ्टिंग जो है ये फिटिंग कैसे करते हैं। इधर एक 17 बोल्ट है, तो देख लीजिए दोस्तों, थोड़ा लंबा रहेगा, 3 लंबा रहेगा। तो अभी ठीक से टाइट देना है। तो अभी हमारा क्लास पेडल का जो शाफ्टिंग है बराबर टाइट हो चुका है। अभी लगाता हूँ क्लास पेडल। तो देख लीजिए दोस्तों, ये है क्लास पेडल। तो दोनों क्लास पेडल का अंदर में दोनों नया बुशिंग डाला हुआ है। 2 बुशिंग रहेगा, इधर में एक बुशिंग रहेगा और इधर में एक, दोनों वाला नया बुशिंग है। और साइड में कवर भी होगा। तो देख लीजिए दोस्तों, ये एक कवर उस साइड में भी रहेगा और ये एक कवर पेडल का उस साइड में रहेगा। और पेडल कवर घुसाने के बाद थोड़ा ग्रीस देना चाहिए, क्योंकि ग्रीस देने के बाद आसानी से घुस जाता है। अभी घुसाता हूँ क्लास पेडल, जो पादुन में जगह है क्लास पेडल घुसाने के लिए। और देख लीजिए दोस्तों कैसे घुस जाते हैं। तो हमारा क्लास पेडल घुस गया। अभी पेडल में जो 2 बुशिंग है, ये बुशिंग का अंदर में थोड़ा ग्रीस लगाना होगा। तो देख लीजिए दोस्तों, अभी ग्रीस लगा रहा हूँ। और ग्रीस लगाने के बाद, ये ग्रीस लगाने के बाद आसानी से घुस जाता है। तो देख लीजिए दोस्तों, हमारा क्लास पेडल घुस गया। अभी एक वाशर रहेगा और वाशर का बाहर में एक लॉक रहेगा। तो देख लीजिए दोस्तों, ये है एक लॉक, सॉरी ये है एक वाशर, ये वाशर आगे में रहेगा और वाशर घुसाने के बाद एक लॉक भी रहेगा। तो ये है लॉक और ये लॉक लगा देना चाहिए, क्योंकि ये अगर लॉक नहीं लगाया तो क्लच मारने के बाद ये पेडल बाहर हो जाएगा, इसीलिए लॉक लगाना चाहिए। और लॉक लगाने के बाद थोड़ा लॉक को घुमा देना चाहिए। और सब कुछ लगाने के बाद ये निपुल लगाना चाहिए। तो देख लीजिए दोस्तों, ये मेरा हाथ में निपुल है, क्योंकि ये निपुल से ग्रीस मारता है। और निपुल लगाने के बाद हमारा एक स्प्रिंग रहेगा, जो क्लास पेडल का स्प्रिंग। और ये स्प्रिंग ऊपर में एक साइड में, ये छेद में घुसेगा एक साइड, और एक साइड रहेगा क्लास पेडल में। तो देख लीजिए दोस्तों, स्प्रिंग कैसे लगाता है। तो लग गया हमारा स्प्रिंग, देख लीजिए दोस्तों। तो क्लास पेडल खेल रहा है हमारा।
तो पहले भी नहीं मार रहे, देख लीजिए दोस्तों नया बोसिंग ढाला हुआ है। तो हमारा क्लास मेटल लग गया, और क्लास मेटल में एक रॉड होगा जो इसी रॉड को क्लास होता है। तो देख लीजिए दोस्तों क्लास पेडल में एक छेद होगा, तो अभी ब्रेक ब्रेक का जो पिन है ये पिन लगा देता हूँ। तो देख लीजिए दोस्तों ये पिन लगा हो चुका है। तो इधर क्लास पेडल लग गया, क्लास पेडल को लॉक भी लग गया। तो हमारा वीडियो भी ख़त्म हो रहा है, अगला वीडियो देखने के लिए ज़रूर इंतज़ार करना। थैंक यू दोस्तों।